Hello everyone, welcome back to my channel Patiala Academy. आज हम बात करेंगे deterioration of seeds. So सबसे पहले जानते हैं कि deterioration क्या होती है. Deterioration जो जब कोई भी seed की variety जो है उसकी trueness ख़त्म होती है या फिर उसकी genetic purity ख़त्म होती है उसे हम deterioration कहते हैं. कैडम ने 1942 में कई फैक्टर्स बताए हैं जो सीड डिटेरियोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. आइए हम उन फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहला फैक्टर है वो है डेवलपमेंटल वेरिएशंस. सो व्हाट आर दीज डेवलपमेंटल वेरिएशंस. जब कोई भी सीड वेराइटी हम न्यू एरियाज में ग्रो करवाते हैं तो उसके चांसेस होते हैं कि वो वेरिएशंस जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक डेवलप करेगी क्योंकि न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो डेवलप होती हैं अलग अलग एरियाज में. सो इट्स बेटर टू ग्रो दी सीड वेराइटीज इन दी नेचुरल अडाप्टिंग एरियाज रेदर देन ग्रोइंग इन डिफरेंट एरियाज टू अवॉइड दी डेवलपमेंटल वेरिएशंस. डेवलपमेंटल वेरिएशंस जो है बहुत हद तक आपकी सीड वेराइटी को डिटीरियोरेट कर सकती हैं. देयर आर चांसेस कि वो अच्छी तरह से अडाप्ट भी हो जाए लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड डिटीरियोरेशन ऑल्सो. सो सेकेंड फैक्टर इज मैकेनिकल मिक्सचर्स. सो वट हैपन जब हम सीड सोइंग कर रहे होते हैं तो सीड ड्रिल के थ्रू मिक्सचर्स जो है अगर दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा वेराइटी की हम सोइंग कर रहे हैं तो देर आर चांसेस कि वो वेराइटीज आपस में मिक्स हो जाएंगी. सो वहाँ पे सीड डिटीरियोरेशन हो जाती है या ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग उसके बाद जब प्रोसेसिंग होती है गनी बैग्स में मिक्सचर्स जो है वो सीड वेराइटीज गनी बैग में अगर एक वेराइटी डाल के आपने वो निकाल दी और दूसरी वेराइटी उसी बैग में डाली सो वो आपकी वेराइटीज को मिक्स कर देगा. सो दैट ऑल्सो लेट्स टू सीड डिटीरियोरेशन. जैसे आपके थ्रेशिंग इक्विपमेंट्स हैं थ्रेशिंग इक्विपमेंट्स जो है वो भी कंटेमिनेटेड होते हैं. आपने एक वेराइटी की थ्रेशिंग की है उसी इक्विपमेंट के साथ आप दूसरी वेराइटी की थ्रेशिंग करोगे सो दैट विल ऑल्सो लेट टू सीड डिटीरियोरेशन. सो इसके लिए चांसेस ये है कि अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं उसको प्रॉपरली हाइजीनिक कंडीशंस में हाइजीनिक करके यूज़ किया जाए. सो थर्ड फैक्टर इज म्यूटेशंस. म्यूटेशंस जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं सीड डिटीरियोरेशन को. म्यूटेशंस अगर सपोज करिए फैगोइड्स की अपीयरेंस होती है ओट्स में म्यूटेंट आ गया तो आपको पता चल जाएगा. फैगोइड्स क्या होते हैं अगर कल्टीवेटेड वेराइटी ऑफ ओट में वाइल्ड वेराइटी ऑफ ओट की अपीयरेंस हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज फैगोइड म्यूटेंट. तो उस वेराइटी को आप एज सच बाय हैंड एलिमिनेट कर सकते हो रोग आउट कर सकते हो फील्ड में से. अनदर एग्जाम्पल ऑफ द म्यूटेंट इज रैबिट ईयर इन पीस. रैबिट ईयर क्या होता है जब लीव्स नैरो हो जाते हैं और उसके स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक नैरो हो जाते हैं उसे हम रैबिट ईयर बोलते हैं. सो दिस म्यूटेंट कैन ऑल्सो बी इजीली एलिमिनेटेड फ्रॉम द फील्ड. सो नेक्स्ट फैक्टर इज नेचुरल क्रॉसिंग. नेचुरल क्रॉसिंग जो है बहुत हद तक सीड डिटीरियोरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर आपकी वेराइटी कोई मतलब ओपन एरिया में ओपन फील्ड में जैसे ग्रो कर रही है और नेचुरल क्रॉसिंग हो रही है जो अनडिजायरेबल प्लांट जो है वो उसको आके उसके साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है तो सीड डिटीरियोरेशन के आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. सो आपको प्रोटेक्टेड एरियाज में अगर ग्रो करवाने के चांसेस मिले देन इट शुड बी ग्रोन देयर. तो अगर आप ग्रो करवा रहे हो प्रोटेक्टेड एरियाज में इट विल बी हेल्पफुल एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल क्रॉसिंग. सो इसकी म्यूटेशन जो है नहीं आएगी और आपकी सीड डिटीरियोरेशन से आप इसको सीड्स को अपने बचा पाएंगे. नेक्स्ट फैक्टर इज माइनर जेनेटिक वेरिएशंस. माइनर जेनेटिक वेरिएशंस आपको एज सच नहीं पता चलती हैं. कई बार स्टार्टिंग में आपको देखने में होमोजीनियस अपीयरेंस लगती है सीड्स की और यूनिफॉर्मली सेम ही दिखते हैं मॉर्फोलॉजिकली भी. लेटर ऑन प्रोडक्शन साइकिल्स के टाइम वो चेंजेस जो हैं डिसअपीयर हो जाते हैं और कई बार जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं आ जाती हैं. स्मॉल जेनेटिक म्यूटेशंस जो हैं वो भी आ जाती हैं. तो इनको हम अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं. फार्मर्स शुड टेक द यील्ड ट्रायल्स
generation after generation to prevent the genetic variations, to maintain the genetic variety of the seeds. So next factor is selected influence of the pest and diseases. तो ये फैक्टर भी आपके जो सीड डिटेरियोरेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. अगर कोई वैरायटी जो है पेस्ट इन्फेक्टेड है और उसका वेजिटेटिवली स्टॉक जो है आप आगे यूज़ कर रहे हो, तो आपकी सीड वैरायटी जो है आगे वाली आने वाली सीड स्टॉक जो है वो नेचुरली इफेक्टेड होगा और वो डिटेरियोरेटेड होगा. सो आप ये मतलब इसके लिए प्रिवेंशन जो ले सकते हैं दैट इज दैट कि आप प्रॉपरली डिजीज फ्री कंडीशन में अपने सीड्स को सो करवाएं. एंड लास्ट फैक्टर दैट वी हैव टू डिस्कस इज द टेक्निक्स ऑफ द प्लांट ब्रीडर. टेक्निक्स जो है प्लांट ब्रीडर की, जो वो कैसे उसको सो करवा रहा है, उसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है सीड सो करवाने के बाद का, वो कैसे उसको हैंडल कर रहा है, ये सीड डिटीरियोरेशन को भी इफेक्ट करते हैं. उसको कैसे बीड्स जो अपीयर हो रही हैं उसको कैसे वो रिमूव कर पा रहा है फील्ड में से या नहीं, दैट विल ऑल्सो इफेक्ट द सीड डिटीरियोरेशन. सो ये जो टेक्निक्स आती हैं, अगर वो टेस्टिंग प्रोग्राम में फेल हो जाता है कोई फार्मर, तो सीड डिटीरियोरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डिटीरियोरेशन. सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज. दिस इज ऑल अबाउट द डिटीरियोरेशन फैक्टर्स, हाउ टू मेंटेन द सीड वेराइटीज, दैट विल वी विल डिस्कस इन द लेटर वीडियोज. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.